Okay, when your kitchen sink is blocked, what do you do? आपको solution मालूम है, and we are giving you that solution, and you are wise people. The problem is you are thinking in some other terms. आपका kitchen sink block हो जाए. When your kitchen sink gets blocked, what do you do? If your pipe gets blocked of the kitchen sink, what do you do? कोई भी चीज अगर block हो जाती है तो आप क्या करते हैं? आपको मालूम है solution उसका. You apply some pressure, yes or no? आप pressure apply करते हैं कि नहीं करते? अगर आपके गले से खाना उतर नहीं रहा है तो ऊपर से पानी डाल के कुछ प्रेशर अप्लाई करते हो कि नहीं करते? अरे कम से कम कॉन्स्टिपेशन होता है वहां तो आप जानते हो ना व्हाट टू डू. थोड़ा प्रेशर डालते हो कि नहीं टू क्लियर आउट द पाइप, यस और नो? व्हाट इज कुंभक? कुंभक क्या है? यू होल्ड द एबिलिटी टू होल्ड और अप्लाई प्रेशर. वो प्रेशर अप्लाई करने का जो एबिलिटी है आपके अंदर वही कुंभक. तो यहाँ पे तो आप अगर आपको हम शेयर करेंगे कुछ कुंभक आप कर पाएंगे. इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग कुंभक इज ब्रेथ होल्ड. आप सांस रोक के प्रेशर डालते हो. सो इफ यू अप्लाई इट इन द राइट मैनर टुवर्ड्स द राइट पॉइंट और राइट ऑर्गन एंड फंक्शन, यू विल सी दैट विल द फंक्शन विल increase, the organs will become strong, the blockages will open up. यही एक तरीका है ओपन करने का, इंटरनल प्रेशर. इफ यू वांट टू करेक्ट अ स्ट्रक्चर, अपने शरीर को भी अगर आप थोड़ा हिलाना डुला अलाइन करना चाहते हो तो क्या करते हो? सांस रोक के थोड़ा ऐसे करते ना, अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं. व्हाट यू डू? You hold your breath and tense your body, isn't it? सांस रोक के आप तो अपने शरीर को टाइट करते हो. So कुंभक is something which can create a structural anomaly or correct a structural anomaly within the body. बाहर तो आप कर सकते हैं, अंदर करने के लिए कुंभक ही यूज कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है. सर्जरी करेंगे तो और प्रॉब्लम आ जाएगा. तो यू कैन करेक्ट द स्ट्रक्चर. सर्विक्स तो ओपन कर सकते हैं. वन ऑफ द रीजन वाई इट इज नॉट ओपनिंग, लेट मी टेल यू, आपको समझ में आना चाहिए. और इसीलिए जितने लोग यहाँ हैं कम से कम उनको समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. व्हेन डू यू क्लोज योरसेल्फ? आप अपने आप को बंद कब कर लेते हैं? ईदर देयर इज अ फियर. देयर आर मेनी लेडीज, फॉर देम intercourse is very painful, so they don't want to go towards it. So in intercourse के लिए उनको डर लगता. They are close towards it. There is a psychological barrier that they create. Second thing, you don't you are agitated by something which we call as allergy. So there is an the closing down is an allergic reaction also. वो एक allergic reaction भी है. Physically भी हम बात करते हैं तो it's an allergic reaction. It can be a psychological reaction also. तो दोनों तरीके से अगर आपको अपने आप को खोलना है या improve करना है, allergy किसको नहीं होगी और किसको डर नहीं लगेगा? Who will be strong from within. जो अपने अंदर जिनके organ या function strong होंगे उनको डर नहीं लगता, उनको एलर्जी नहीं होती. So strengthening those factors, internal factors, will help you come out of these issues.